Controversial Islamic cleric of the Barelvi sect and Congress ally Tauqi Raza Khan has made yet another controversial statement. He's lavished praise on the Indian Mujahideen terrorists who were killed in the 2008 Bhatla House encounter in Delhi. The Congress ally said if a genuine inquiry was held in the 2008 encounter, then the people who were killed and declared terrorists would actually be treated as martyrs. Tauqi Raza is a cleric who makes headlines with his inflammatory speeches in UP. The Congress ally whose photo with Priyanka Gandhi sparked a political furore has stoked a fresh controversy, lavishing praise on the two Indian Mujahideen terrorists who were killed in the 2008 Bhatla House encounter in Delhi. The new Congress ally said that if the Congress in power orders an inquiry into the 2008 encounter, then the two slain terrorists will actually be proven as martyrs. उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। The BJP was quick to attack the Gandhi family, accusing it of embracing radicals and appeasing terror for Muslim votes. कहीं ना कहीं Tauqi Raza और सोनिया जी, Tauqi Raza और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है, आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना। ये दुखद है, ये चिंताजनक है, कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसमें सफाई देनी चाहिए। On Tuesday, Tauqi Raza, who is chief of the Ittehad-e-Millat Council party, shared a stage with UP Congress chief Ajay Kumar Lallu in a show of support. Priyanka ji se meri baat hui aur bahut sanjeeda baatcheet hui aur main ye samajhta hu ki Hindustan mein agar imandari se koi secular hai to wo ye dono bhai behan hain. Tauqi Raza sahab ek vyaktitva hai और जिनका एक सामाजिक स्तर पर बड़ा काम है, लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख का सहभागी बनना उनकी एक परंपरा है, यह एक बड़ा लाभ होगा। Just days ago, Raza was heard making this very provocative speech. The BJP has accused the Congress of taking the help of a man who it says spews hate against Hindus. It is not new that the Congress party stands in alliance with such people who shower constant hatred against the Hindus and the philosophy of India. ये जो radical syndicate है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। Will the controversial cleric and his provocative statements cost the Congress in the upcoming election? Bureau Report, India Today. And Tauqi Raza Khan now joins me on the broadcast. Tauqi Raza Khan, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि बाटला हाउस के आतंकी शहीद कैसे? आप उनको शहीद का दर्जा देने के पक्षधर क्यों रहे हैं? मैंने बटला हाउस ये बात उस वक्त की है जब 2009 में मैंने कांग्रेस को समर्थन किया था। उस वक्त मैंने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि बटला हाउस इंकाउंटर की जांच होना चाहिए। देश के बहुत से लोगों को ये शुभ है कि वो फेक इंकाउंटर है। मैं ये बात कहता हूँ और एक बटला हाउस इंकाउंटर की बात नहीं करता, मैं जितने भी इंकाउंटर हुए हैं उन सबकी मैं आज भी कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से जांच कराई जाए तो ऐसे इंकाउंटर फेक ही साबित होंगे। ईमानदारी से जांच नहीं की गई, पुलिस का मनोबल ना टूट जाए इसलिए जांच नहीं कराई गई। नहीं, ये तो जबरदस्ती लोगों को दोषी करार दे दिया गया। नहीं, माना चलिए 2009 में आपके पास जानकारी उस समय नहीं थी,
लेकिन अब तो सारी जानकारी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, अदालत के निर्णय आ चुके हैं। क्या अब भी आप मानते हैं कि बाटला हाउस में निर्दोष मुसलमान लड़कों को मार दिया गया, या अब आप मानते हैं कि आतंकवादी मारे गए जो बेगुनाहों को मार रहे थे आतंक से? जब तक ईमानदाराना जांच नहीं होगी, तब तक मैं ये समझता हूं कि फेक इनकाउंटर था और फेक इनकाउंटर में जो लोग मारे गए वो शहीद थे। जांच होनी चाहिए और ऐसे जितने इनकाउंटर हुए उनकी जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि जितने बम ब्लास्ट हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फिरका परस्त ताकतों ने खुद ही बम मारा है मंदिर पे, मस्जिद पे, पब्लिक प्लेसेस पर, और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया है। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मजहब ने हमें ये बताया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी जुज्वे ईमान है। जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आतंकवादी हैं इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आपको अभी इतने वर्षों बाद भी लगता है कि बाटला हाउस इनकाउंटर फेक था, और आप एक तरफ मुल्क से प्यार करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप खाना जंगी की बात करते हैं, गृह युद्ध की बात करते हैं। अगर आपको किसी के किसी काम पर शिकायत है तो पुलिस में जाइए, अदालत में जाइए, शिकायत कीजिए, या अपने ही मुल्क में खाना जंगी की धमकी क्यों? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा, आप लोगों ने आधा सच परोसा है, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आधा सच जो है वो हमेशा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने ये कहा कि अगर इस बदजुबानी को नहीं रोका गया, जैसा माहौल चल रहा है, रोजाना कुरान की बेहुर्मती ये लोग करते हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, रोजाना रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, बहू बेटियों पर उंगली उठाते हैं, बुली भाई ऐप बनाते हैं, क्या क्या तमाशे करते हैं, और फिर बिलाखिर कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा, अपने नौजवानों को तलवार बांटते हैं। तो आपकी अदालत में कोई, आपको अदालत में विश्वास नहीं है, भारत के न्याय व्यवस्था में आपको कोई विश्वास नहीं है, आपको पुलिस में कोई विश्वास नहीं है? अगर आपको किसी भी मुद्दे पर कोई भी नाराजगी है तो आप अदालत के पास जाएंगे ना, या गृह युद्ध की धमकी देंगे अपने ही देश में और बोलेंगे कि हम बड़े मुल्क को प्यार करने वाले? आप मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेते हैं। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि खुलेआम जिन लोगों ने अधर्म संसद की और खुलेआम उन्होंने तलवारें बांटी और अपने नौजवानों को बोर्ड से बनने की ट्रेनिंग दी, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने का ऐलान किया, उन लोगों पर कानून ने कोई कार्रवाई की? उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बरगलाने का, पथभ्रष्ट करने का, देश का नक्शा बदलने की धमकी देने की बात। एक तरफ आप कांग्रेस जैसे एक राजनीतिक दल के को समर्थन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप देश का नक्शा बदलने की हिमायत करते हैं। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, उन्हें तो झूठ बोलने की बहुत प्रैक्टिस है। मैं ये बताता हूं, मैं अभी भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का नक्शा हमारे अंदर बदलने की ताकत भी है और हिम्मत भी है। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी जिसे काट के पेश किया गया, मैंने कहा अगर लड़ने का शौक है तो हमारे साथ चलो, चाइना के बॉर्डर पे चलते हैं, कैलाश मानसरोवर हम चाइना से आजाद करा के हिंदुस्तान को देने का काम करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो, हम पाकिस्तान से लड़के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने का काम करेंगे, अगर हम ये काम करेंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मैं आपसे सवाल, देश के अंदर ही शांति रहे वही हम बहुत है। अपने अपना नक्शा बदलना चाहते हैं, हम अपने देश का विकास चाहते हैं, देश की सीमाओं का विकास चाहते हैं। नहीं, देश के अंदर शांति रहे यही बहुत है। चलिए एक हटके प्रश्न, आप अखिलेश यादव से बड़े प्रसन्न रहते थे कुछ वर्षों पहले तक, एकाएक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों हो गई आपको कि अब आप उनका साथ छोड़ कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं? आ,
नहीं, अखिलेश यादव से मैंने पिछली बार भी ये बात उनके सामने रखी थी कि उत्तर प्रदेश फिरका परस्तों की निगाहों में चढ़ा हुआ है और दंगों का प्रदेश बना दिया है इसको। अखिलेश यादव की सरकार में भी तकरीबन 176 दंगे 12 से लेकर 17 तक हुए थे, आपको याद होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि एक दंगा जांच आयोग बनना चाहिए, जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक दोबारा चोरी होने का अंदेशा रहेगा। इस बात भी मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा पिछली बार आपने नहीं बनाया था, आप आज ये वादा करो, मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं कि आप दंगा जांच आयोग बनाएंगे, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इसको रखिए। उन्होंने कहा कि हाँ इस पे गौर करते हैं और आपसे एक बार और मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा दिवाली के बाद दोबारा बैठते हैं। कई बार रिमाइंड कराने के बावजूद उनके दिवाली बाद वाला जवाब आज तक नहीं आया है, तो मजबूर होकर फिर मैंने कांग्रेस से बात की और कांग्रेस को से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पुरानी कांग्रेस जिससे हम नाराज रहा करते थे, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। आज की कांग्रेस बहुत अच्छी और बेहतर कांग्रेस है। चलिए अब देखते हैं कि वोटर क्या कहते हैं। आप तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उम्मीद यही कि बातचीत हो तो देश को मजबूत करने की, खाना जंगी की नहीं, देश को तोड़ने की नहीं, गृह युद्ध की नहीं। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन द न्यूज ट्रैक, मेरी थैंक्स। अ क्विक ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन इंडिया टुडे, स्टे विद अस।